तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट साइकोलॉजी होती क्या है। अब साइकोलॉजी को अगर हिंदी में हम बोले तो मनोस्थिति, माने मन की स्थिति। अब फ्रेंड्स, मार्केट साइकोलॉजी जो है वो जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में जो उनके इमोशंस हैं, प्रीडोमिनेंटली कौन इमोशंस, होप, फियर और ग्रीड, आशा, लालच और डर, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली ऑपरेट करती रहती हैं। और वो अलग-अलग ट्रेडर्स का मनोस्थिति जो है, साइकोलॉजी जो है, वो जब सम टोटल करके चार्ट के ऊपर में रिफ्लेक्ट होता है, जो प्राइस के रूप में हमें चार्ट में दिखाई देता है, कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशन होती है चार्ट के ऊपर में, वो दर्शाती है कि साइकोलॉजी क्या है ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, या हम दूसरे शब्दों में बोले मार्केट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मार्केट की साइकोलॉजी को जब समझ जाते हैं, तो हम उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने में और ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाने में। और वो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी जो बनती है, उसमें हम एंट्री डिसाइड करते हैं, स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों, ये मार्केट साइकोलॉजी को देख के कि किस जगह पे, किस लेवल पे आने के बाद एक फियर जो है वो प्रीडोमिनेंटली बहुत हाई हो जाता है, वो लेवल जो है वो लेवल टूटना नहीं चाहिए, एक ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट समझता है, इसीलिए वो उसे स्टॉप लॉस के रूप में इस्तेमाल करता है और फिर अपने रिस्क को अराइव करता है कि मैं इस प्राइस पे एंटर कर रहा हूं और ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहां पे मैं एंटर कर रहा हूं और ये मेरा स्टॉप लॉस है, एंटर कर रहा हूं मीन्स बाई कर रहा हूं, मैं लॉन्ग पोजिशन के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये हमारा रिस्क हो गया पर शेयर। तो क्या ये जो रिस्क कैलकुलेट हो रहा है, इससे अधिक कमाने की संभावना है? और अगर अधिक कमाने की संभावना नहीं है, तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है और ये एक रॉन्ग बिजनेस डिसीजन होगा अगर हम ऐसे ट्रेड में एंट्री लेते हैं जो हमें रिस्क लेने के, जितनी हम रिस्क ले रहे हैं उससे कम प्रॉफिट देने की संभावना रखता है। तो कोई भी बिजनेस दोस्तों प्रोबेबिलिटी के आधार पे किया जाता है। अगर आप एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं, उसमें किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपने पहले एनालिसिस किया है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, और अगर उस मार्केट में उसकी डिमांड है तो उसमें से कितना मार्केट शेयर मैं अपनी मेहनत से अपने प्रोडक्ट के लिए जनरेट कर सकता हूं, तो कितनी सेल होने की संभावना है, मेरे प्रोडक्ट की कितनी बिक्री होने की संभावना है। क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। जब तक फैक्ट्री में बना प्रोडक्ट एंड यूजर के पास नहीं पहुंचता है, और उसके लिए बिक्री होना बहुत जरूरी है, तो जब तक प्रोडक्ट बिक्री नहीं होता है तो तब तक हमें मुनाफा नहीं होता है। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस में हमने मैन्युफैक्चरिंग में एक रिस्क लिया कि एक कैपिटल लगाया, फैक्ट्री को क्रिएट किया, और प्रोडक्ट बनाने में जो भी रिकरिंग कॉस्ट आई, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट आई, वो हमारा कॉस्ट हो गया। तो ये हम रिस्क ले चुके हैं। अगर हमने लोन उठाया है तो उस पे इंटरेस्ट रेट जो हम पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी कॉस्ट हो गई।
अब दोस्तों रिस्क क्या है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया और अगर मार्केट में हम बेचने में सफल नहीं हुए तो रिस्क हो गया। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में दोस्तों जब हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं स्टॉप लॉस के आधार पर विथ रिस्पेक्ट टू माई एंट्री प्राइस इन टू द मार्केट, तो हम वो संभावनाओं को स्टडी करते हैं चार्ट के ऊपर में कि ऊपर जाने की संभावना कहां तक है, और वो रिस्क से दोस्तों कम से कम दुगना तो होना चाहिए। अगर मैंने 100 रुपए का रिस्क लिया है तो कम से कम 200 रुपए कमाने की तो संभावना होनी चाहिए, तभी तो ये एक अच्छा बिजनेस प्रपोजिशन होगा। तो दोस्तों वो मार्केट साइकोलॉजी के आधार पर ये सारी संभावनाओं को देखा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि बेसिकली मार्केट साइकोलॉजी है क्या। तो दोस्तों मार्केट साइकोलॉजी जो है प्रिवेलिंग सेंटीमेंट्स को, साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, मार्केट के सेंटीमेंट्स की स्टडी को ही तो हम साइकोलॉजी बोलेंगे। और सेंटीमेंट्स किन के हैं, ट्रेडर्स एट लार्ज, इन्वेस्टर्स एट लार्ज, तो उनकी साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए वो मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझना जरूरी है। दूसरा फ्रेंड्स, सेंटीमेंट समटाइम्स इतने पावरफुल हो सकते हैं जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं बहुत फास्ट। एक होड़ लग जाती है मार्केट में खरीदने के लिए, और वो होड़ क्यों लगती है, वो अगेन साइकोलॉजी का ही हिस्सा है, ह्यूमन सेंटीमेंट्स का ही हिस्सा है, ह्यूमन इमोशंस का ही हिस्सा है। वो कैसे दोस्तों, कोई प्राइस तेजी से बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि अगर मैंने इसे नहीं खरीदा तो ये मैं मौका मिस कर जाऊंगा। एक प्रेजेंटेशन में जीरो टू हीरो श्रृंखला में इस एस्पेक्ट को कवर किया गया है जिसे हम बोलते हैं चेजिंग द मार्केट, और उसमें समझाया गया है दोस्तों कि मार्केट को चेज कभी मत कीजिए, एक राइट वैल्यूएशन पे ही मार्केट में एंट्री एक विजडम की निशानी है। तो दोस्तों समटाइम्स वो सेंटिमेंट्स इतने बुलिश होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि लोग होल्ड लगाते हैं उसको परचेज करने के लिए। और या दूसरा सेंटिमेंट्स, फियर इतना प्रीडोमिनेंट हो सकता है मार्केट में कि एक पैनिकी की सिचुएशन इमर्ज होती है मार्केट में, और इन्हें लगता है जल्दी से बेचो जल्दी से बेचो, अगर हमने नहीं बेचा तो नुकसान और हो जाएगा, अभी तो मैं 10% के नुकसान में बैठा हूं और ये बहुत तेजी से मार्केट गिर रहा है। उस समय पे जब हम सेंटिमेंट्स के में फंस जाते हैं, व्हेन वी आर कॉट बाय अवर ओन इमोशंस बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट में, वेदर इट इज स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट, कि अवर ओन इमोशंस आर द बिगेस्ट एनिमीज, हमारे खुद के इमोशंस जो हैं वो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। उस समय हम एनालिटिकल व्यू को लेने के पहले वो पैनिकी में डिसीजन लेते हैं या ग्रीड के कारण डिसीजन लेने लगते हैं, और यहां पर आदमी के पेशेंस का टेस्ट होता है दोस्तों। तो मार्केट उस समय पर इमोशंस जब प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं, ग्रीड बहुत बढ़ जाती है, तो मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है, और जब फियर या डर मार्केट में बहुत बढ़ जाता है तो मार्केट तेजी से नीचे गिर सकता है। और ये कैंडलस्टिक के जो फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर में होते हैं, उनकी साइज देख के, उनकी लोकेशन देख के, उनके शेप को देख के ये स्टडी किया जाता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं और उन्हें हम अपने फेवर में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने में। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स कई बार मार्केट को इतना ड्राइव कर सकते हैं, उस समय में ट्रेडर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और तभी तो एक प्रचलन है दोस्तों पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करने का,
स्टॉक्स जो 10 रुपए में ट्रेड हो रहे हैं, 15 रुपए में ट्रेड हो रहे हैं, 5 रुपए में ट्रेड हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब तो ये 5 रुपए में आ गया और कितना जाएगा, बट दोस्तों 5 रुपए का स्टॉक अगर 2.5 रुपए पे आता है तो 100% का नुकसान है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि पेनी स्टॉक्स में जब हम ट्रेड करते हैं बिना किसी स्टडी के, तो दोस्तों होता क्या है, हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, हम इंफॉर्म्ड डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, हम एनालिटिकल व्यू नहीं बना रहे हैं डिसीजन लेने के पहले, और ये सबसे बड़ी भूल होती है। हमें कभी भी सस्ता खरीदने से प्रॉफिट नहीं होता है दोस्तों, हमें राइट वैल्यू पे खरीदने से प्रॉफिट होता है। 5 रुपए का स्टॉक महंगा हो सकता है और MRF 40,000 का स्टॉक सस्ता हो सकता है, क्योंकि ये सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई पर है, जो ह्यूमन इमोशन से और कंपनी के फंडामेंटल से, परफॉर्मेंस से वो जनरेट हो रहा है, जो अल्टीमेटली प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है चार्ट के ऊपर में, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये स्टॉक कई बार स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, और कई बार दोस्तों फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, उसके रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अर्निंग्स अच्छी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कैश रिजर्व बहुत अच्छा है, ईपीएस फेवरेबल है, वो सारे फंडामेंटल व्यू तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है वो अपसाइड मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। और ये दोस्तों सेंटिमेंट्स के कारण होता है। आप चार्ट के ऊपर में जाके देखिए दोस्तों, एक पीरियड था रिलायंस जैसी वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपिटलाइज्ड कंपनी का स्टॉक एक साइडवेज मार्केट में, एक नैरो रेंज में मूव कर रहा था, जब वो ट्रेड हो रहा था 700 से अराउंड 900 के बीच में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अगर आप चार्ट में जाके देखेंगे तो आज से 3 साल पहले की बात होगी, तो उस समय पे वो एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, प्रॉफिट शेयर बहुत अच्छा था, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी, अर्निंग्स अच्छी थी, तो दोस्तों बहुत राइट वैल्यूएशन पे मिल रहा था। लेकिन लेने के बाद भी लोगों ने राइट वैल्यूएशन पे स्टॉक को लिया, फंडामेंटली चेक करके कि वैल्यूएशन करेक्ट है, बट दोस्तों वो स्टॉक स्टैग्नेंट रहा, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था उसमें कि मार्केट को ड्राइव कर सके। तो ये दोस्तों सेंटिमेंट्स का नजरिया है, और इसके पीछे में कोई लॉजिक्स एंड कोई डिस्कशन संभव नहीं होता है, और इसीलिए प्राइस चार्ट में बोला हो जाता है दोस्तों कि जब मार्केट ट्रेंडिंग है तभी मैक्सिमम पैसा बनता है, चाहे वो अप ट्रेंडिंग स्टॉक हो या डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो शॉर्ट सेल करके पैसा बनता है। ये दो ही फेज है मार्केट में, जहां पे आपका पैसा बहुत लंबे समय तक ब्लॉक नहीं होता है, और यहां पर टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। सो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं फंडामेंटल को इग्नोर करते हुए। एंड दोस्तों अगर हम एक एग्जांपल को और समझें कि कई बार एक स्टॉक है फंडामेंटली बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी कारण से इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, या व्हाट्सएप पे कोई न्यूज वायरल कर दी गई है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं दोस्त, उसमें से अपने पैसे को विड्रॉ करने लगते हैं, बाइंग एक्शन खत्म हो जाता है, तो मार्केट शार्पली फॉल कर सकता है। क्योंकि दोस्तों कई बार मार्केट को फॉल करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सेलिंग एक्शन हो, माइनर सेलिंग एक्शन पे भी मार्केट फॉल कर सकता है, क्योंकि अगर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसको बाय करने के लिए, अगर बाइंग एक्शन बंद हो गया तो मार्केट वैसे ही गिर जाएगा, क्योंकि बाइंग एक्शन बंद हो गया मतलब डिमांड खत्म हो गई, और डिमांड खत्म अगर हो गई तो मार्केट में फॉल।
तो दोस्तों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इन चीजों की स्टडी करते हैं तो प्राइस चार्ट को जब हम देखते हैं दोस्तों तो कई डिफरेंट एंगल से देखना है। इसीलिए दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला में कई टॉपिक्स कवर क्यों किए जा रहे हैं कि एक एक टॉपिक को कवर करके हम वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो सके और ये सारे टॉपिक्स को जब हम एनालिसिस करें तो उसे कंबाइन कर सके। दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जीरो टू हीरो श्रृंखला का तो एक इंटरिम वीडियो जिसे एक्सटेंडेड जीरो टू हीरो श्रृंखला करके उसे पोस्ट किया गया था 6 अगस्त को, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एनालिसिस की गई थी और उसमें डाउ डॉक्ट्रिन से रिलेटेड, मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड, रेंज बाउंड स्टेज क्या होता है, मार्केट के फेजेस क्या होते हैं, पिवट्स क्या होता है और दोस्तों किस तरह से ब्रेकआउट हुआ, किस तरह से सप्लाई एंड डिमांड जोन जनरेट हुई, मूविंग एवरेजेस किस तरह से मैजिकली काम करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी है जीरो टू हीरो श्रृंखला में और उन्हें उस पर्टिकुलर 6 अगस्त का वीडियो जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्राइस एक्शन पे वो एग्जाम्पल मिले तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वो उपलब्ध है, 6 अगस्त 2019 का वीडियो है और आप उसे देख सकते हैं और उसमें सारी चीजों को जो हमने तब तक सीखा है उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए। सो कंबाइनिंग द नॉलेज एंड देन टेकिंग अ कॉल इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस विल ऑलवेज यील्ड बेटर रिजल्ट। वी समटाइम्स व्हाट वी डू इज हम एक पर्टिकुलर जगह में फोकस कर लेते हैं और वो होलिस्टिकली चार्ट को एनालाइज नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला को बहुत पेशेंटली देखिए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए, बिना स्किप कीजिए और पुराने वीडियो को बार बार देखिए। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल 6 डॉक्ट्रिन्स ऑफ डाउ, अगर आप उसे 10 बार भी देखते हैं तो क्या हर्ज है, जब समय मिले उसे देखिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे क्योंकि दोस्तों वही आधार है, वही फाउंडेशन है। एंड दोस्तों जब चार्ट के ऊपर में कैंडल्स जो फॉर्म होते हैं वो मार्केट की लैंग्वेज है, मार्केट की लैंग्वेज जो है वो कैंडलस्टिक दर्शाते हैं और मार्केट की भाषा समझना ही मार्केट साइकोलॉजी को समझना है। तो दोस्तों उन सेंटिमेंट्स को समझने के लिए ये को समझें और उस स्टडी को इनडेप्थ करें। तो चलिए दोस्तों मार्केट की भाषा को समझना, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना और इसी कारण से दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये प्राइस एक्शन के अलावा वो मार्केट की साइकोलॉजी को, मनोस्थिति को दर्शाने में, एक्सप्लेन करने में हमें मदद करते हैं, जिससे हमारी टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और अगर टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी इंप्रूव होगी तो दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने में एक्यूरेसी आएगी, हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं कैंडलस्टिक को। वैसे पहले सेशन में भी कैंडलस्टिक को कवर किया गया है ब्रीफली, एक बार फिर से हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक बेसिकली होते क्या है और कैंडलस्टिक की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों ये कैंडलस्टिक कोई आज की चीज नहीं है, ये 17th सेंचुरी में कैंडलस्टिक का इस्तेमाल जापान के जो राइस ट्रेडर होते थे, जो चावल के व्यापारी होते थे, वो इस्तेमाल किया करते थे। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर नहीं थे तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आज मार्केट फिजिकल मार्केट में, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं थी तो फिजिकल मार्केट में क्या भाव पे मार्केट खुला, जब मार्केट क्लोज हुआ, दुकान जब बंद हुई तो लास्ट सौदा जो हुआ मंडी में वो सौदा कितने रुपए पे हुआ,
तो ओपनिंग प्राइस मिल गई, क्लोजिंग प्राइस हो गई, और ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स जो बोली लगी उसमें हाईएस्ट भाव पे कितने पे राइस बिका और लोएस्ट भाव पे कितने पे बिका, यही तो फॉर्मेशन है दोस्तों कैंडलस्टिक का। और इससे वो कई दिनों का प्लॉट करने के बाद जो राइस ट्रेडर होते थे वो प्राइस को प्रोजेक्ट करते थे कि भाव गिरने वाला है या भाव अधिक होने वाला है। अगर भाव गिरने वाला है तो जो स्मार्ट राइस ट्रेडर होता था वो अपने स्टॉक को जल्दी से जल्दी निकाल देता था, क्योंकि आज जो भाव मिल रहा है आने वाले दिनों में उसके स्टोरेज का खर्चा एक्स्ट्रा होने जा रहा है, सो वो अपने स्टॉक को लिक्विडेट कर देता था, वो अपने इन्वेंटरी को खत्म कर देता था। और अगर प्राइस में अच्छे उछाल आने की संभावना है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंशियल जंप इन द प्राइस, तो वो क्या करता था दोस्तों, स्टोर करके रखता था, पेशेंटली वेट करता था कि भाव इसका अधिक मिलने वाला है, जो स्टोरेज के ऊपर में खर्चा है वो बहुत निगलिजिबल है। तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री जाती है जापान में, और इसी कारण से इसे जापानीज कैंडलस्टिक्स भी बोला जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स को समझते हैं और ये मार्केट को कैसे ड्राइव करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये हमने जो सिक्स डॉक्ट्रिन्स डाउ के, चार्ल्स एम डाउ के कवर किए थे एक सेशन में, जो टेक्निकल एनालिसिस एंड डाउ प्रिंसिपल्स के ऊपर में, डाउ थ्योरी बोले डॉक्ट्रिन्स बोले, उसको कवर किया था, उसमें एक प्रिंसिपल जो था, एक जो डॉक्ट्रिन थी वो क्या बोलती थी कि मार्केट एक एफिशिएंट हाइपोथेसिस पे काम करता है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है दोस्तों, कि जो आज की डेट में प्राइस चल रही है मार्केट में, जो इस वक्त पे प्राइस चल रही है मार्केट में, उसने सारे न्यूज को कंसीडर कर लिया है। मार्केट नोज द न्यूज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाउ ने ये बहुत पहले बोला था कि मार्केट इतना एफिशिएंट है, कि मार्केट एफिशिएंट हाइपोथेसिस पे काम करता है, कि जो भी न्यूज है, जो भी रिलेटेड मैटर्स है, कंपनी से रिलेटेड मैटर, प्रोडक्ट से रिलेटेड मैटर, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड मैटर, दे आर ऑल डिस्काउंटेड इन प्राइस। और यही गाइडिंग प्रिंसिपल्स है मार्केट का दोस्तों। सो दोस्तों इसे समझते हैं, जितने भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है या न्यूज है वो प्रिवेलिंग प्राइस जो है, करंट प्राइस जो है, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आपको दोस्त लगता अलग से न्यूज जानने की जरूरत है? बहुत सारे लोग हैं जो ये डिस्कस करते हैं मार्केट अगर गिर जाए तो ये बताइए मार्केट क्यों गिर गया। तो दोस्तों अगर मान लीजिए मुझे पता भी लग जाए कि मार्केट क्यों गिर गया, क्योंकि जितने भी मार्केट गिरने के रीजंस हैं या एट्रीब्यूट है वो आप देखेंगे टीवी चैनल्स पर डिस्कशंस चालू हो जाएगा, दिस वॉज द रीजन, दैट वॉज द रीजन। माई डियर, अगर वो रीजन है तो आज अगर मार्केट गिरा है तो कल बता दिए होते ये रीजन, क्योंकि दोस्तों मार्केट गिरने से या मार्केट ऊपर जाने से, उसके कारण जानने से कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनता है। यू मेक मनी ओनली इन द मार्केट व्हेन यू कैन प्रोजेक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, क्या होने की संभावना है आगे, अगर ये आप असेसमेंट कर सकते हैं प्राइस एक्शन के माध्यम से, मार्केट की साइकोलॉजी को स्टडी करके,
उससे पैसे बनते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि व्हाट इज प्रिवेलिंग, मैंने आज के दिन में जो प्रिवेल कर रहा है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ना कि उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज क्या है, उस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज क्या है, उसकी अर्निंग्स क्या है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा का, और नहीं देखा है तो आगे गौर से देखिएगा कि जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आने के बाद भी प्राइस में फॉल आता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? या कई बार रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से खराब आता है लेकिन प्राइस ऊपर जाती है। बहुत रिसेंटली हुआ है मारुति में, अराउंड 1.7% टू 2% का मारुति में उछाल आया, रिजल्ट बहुत खराब आए थे, सेल्स फिगर बहुत खराब थी। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका मतलब है कि पिछला जो प्राइस एक्शन मार्केट में हुआ है, जो आज न्यूज डिक्लेयर हो रही है, पब्लिक डोमेन में आ रही है, उसे मार्केट को पता था, क्योंकि मार्केट एक एफिशिएंट हाइपोथेसिस पे काम करता है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट मींस प्राइस एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई, क्यों ऐसा हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। वाई में वो सारी चीजें आ जाती हैं, अर्निंग्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज क्या है, मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई रिप्लेसमेंट हुआ है, कोई नई एंट्री हुई है। सो दोस्तों ये चीजें कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम चार्ल्स एम डाउ के डॉक्ट्रिन्स को और उसके बेसिक स्पिरिट को समझते हैं। What is the spirit behind, you know, laying down those six doctrines of Tao? And those has been drawn from where? A very keen observation of market. Market ko bahut deeply study kiya gaya, 255 articles Wall Street Journal mein likhe gaye, aaj se 100 saal pehle. Ab wahi guiding principles hai. To dosto, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे का मतलब तात्पर्य है जो ट्रेडर्स के एट लार्ज इमोशंस हैं, फियर है, ग्रीड है, मींस डर है या लालच है, जब पैसा इन्वॉल्व होता है ये दोनों चीजें कंटिन्यूअसली ऑपरेट करती हैं। प्राइस नीचे करेगी तो हमारे इमोशंस डर की तरफ चले जाएंगे, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो हम बहुत एंथुसियास्टिक हो जाएंगे, हम में और ग्रीड डेवलप होगा, हम में और लालच आ जाएगा। तो ये बायर्स और सेलर्स में जो ग्रीड एंड फियर जो प्रीडोमिनेंटली ऑपरेट करते हैं, उसी कारण से मार्केट में कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है और इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्राइस को वो ड्राइव करते हैं। अगर ग्रीड का माहौल बहुत ज्यादा है और डर कम है तो सर्टेनली कंटिन्यूस बाइंग आएगी उसमें, और अगर एक फियर प्रीडोमिनेंटली मार्केट में है तो ऑब्वियसली लोग सेलिंग करेंगे, जिनके पास स्टॉक है वो बेचेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं खरीदेंगे, तो बाइंग होगी नहीं और सप्लाई बढ़ती चली जाएगी तो प्राइस को वो नीचे ले जाएगी। वेरी सिंपल फिनोमेनन, डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज डिमांड एंड सप्लाई व्हिच इज ड्रिवन बाय ह्यूमन इमोशंस, दोज पीपल हु आर वर्किंग इनटू द मार्केट, वो लोग जो ट्रेडर्स की तरह काम कर रहे हैं उनके इमोशंस मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि कैंडलस्टिक के जो फॉर्मेशन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है।
वैसे ब्रीफली प्रीवियस सेशंस में कवर किया जा रहा है, तो चलिए 2 मिनट में इसे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब आगे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे और उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे तब यह हमें मदद करेगा, खास करके जो लोग बिगिनर्स हैं। तो दोस्तों कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर पहले मैं टेक्स्ट के रूप में आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद पिक्टोरियल शेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों बहुत सिंपल है, मार्केट नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, और पुराने जमाने में इसे व्हाइट कैंडल बोला जाता था क्योंकि प्राइस नीचे ओपन हुई और क्लोज ऊपर हुई। और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो हाईएस्ट वैल्यू पे ट्रेडिंग होगी वो मार्केट का हाई हो गया, जो अपर शेडो के टॉप जो टिप है उसको द्वारा दर्शाया जाता है, और जो लोएस्ट भाव पर मार्केट में ट्रेडिंग हुई उसे लोअर शेडो द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका अपोजिट है, मार्केट ऊपर में ओपन हुआ और क्लोज नीचे में हुआ तो फॉल हुआ प्राइस में, और जो फॉल हुई प्राइस में तो वो रेड कैंडल बन जाती है। पुराने जमाने में उसे ब्लैक कैंडल कहा जाता था। आज भी बहुत सारी जो सब्जेक्ट के ऊपर में बुक्स हैं वो सारी ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल के हिसाब से एक्सप्लेन की गई है, तो इट डजंट मैटर। और वैसे अपर शेडो हाईएस्ट प्राइस को इंडिकेट करती है, लोअर शेडो लोएस्ट प्राइस को इंडिकेट करती है। तो ये हो गया ओवरऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडलस्टिक। पिक्टोरियल ये हम समझ जाएं कि जब मार्केट नीचे ओपन होता है और ऊपर जाता है तो बुलिश कैंडल बनती है, और मार्केट ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ तो बेरिश कैंडल बनती है। ये प्रक्रिया मार्केट में जारी रहती है, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। सो इस तरह से प्रक्रिया चालू रहती है। अगर हम पिक्टोरियली समझें दोस्तों, ये बहुत सिंपल है कि अगर इसको हम देखें तो मार्केट यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, तो ये ओपन एंड क्लोज के बीच की जो है वो कैंडल की बॉडी बन गई, जिसे हम रियल बॉडी ऑफ द कैंडल बोलते हैं। और ये शैडो अपर है हाईएस्ट प्राइस को इंडिकेट करती है, और लोअर शैडो उस दिन के लोएस्ट प्राइस को इंडिकेट करती है। आज के जमाने में कैंडल ग्रीन दिखाई देती है, पहले जमाने में ये व्हाइट दिखाई देती थी। उसका अपोजिट है रियल बॉडी जो बनती है, मार्केट ओपन हुआ नीचे क्लोज हुआ तो वो रेड कैंडल बन जाती है। पहले जमाने में उसे ब्लैक कैंडल बोलते थे क्योंकि उसे ग्राफिकली और मैनुअल रूप में प्लॉट किया जाता था। अब दोस्तों आप सोचिए कितना आज आसान हो गया है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये चीजें अपने आप हो रही हैं। ना मुझे प्लॉट करने का कोई टेंशन लेना है, ना मुझे मार्केट के डेटा कलेक्शन का टेंशन लेना है। डेटा सीमलेसली प्राइस चार्ट पे आ रहे हैं, फॉर्मेशन अपने आप हो रहा है, मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोस्तों हो गया कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग प्रकार के जो पैटर्न्स, उनका जो फॉर्मेशन होता है उसका मीनिंग क्या है, वो क्या मार्केट के साइकोलॉजी को दर्शाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि क्या केवल कैंडलस्टिक के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना जरूरी है या फिर और भी कुछ जरूरी है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझें उसके पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने देखा होगा चार्ट के ऊपर में कभी कैंडल बड़ी बनती है, कभी कैंडल छोटी छोटी बनती हैं। तो कैंडल के साइज अलग अलग जो बनते हैं, क्योंकि जब कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे तो इस कंसेप्ट का हमारे दिमाग में होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों हम वो सिग्निफिकेंस क्या होता है जब कैंडल बड़ी बनती हैं,
और जब कैंडल छोटी बनती है। तो दोस्तों ये इस पिक्टोरियल डायग्राम को देखिए, इसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि दोस्तों दो कैंडल साइड बाय साइड दिखाई गई हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। एक पेयर जो इंडिकेट कर रहा है वो बुलिश कैंडल का इंडिकेट कर रहा है जो व्हाइट कलर का है, और ब्लैक कलर का जो कैंडल है वो बेयरिश व्यू दर्शा रहा है। तो दोस्तों जो लार्ज कैंडल जो बनती है और स्मॉल कैंडल बनती है वो दर्शाता है कि बाइंग एंड सेलिंग की इंटेंसिटी कितनी रही है। तो दोस्तों अगर लार्ज बॉडी कैंडल बने, बॉडी रियल बॉडी कैंडल की जो है वो लार्ज हो और उसके जो शैडो हो, अपर शैडो और लोअर शैडो, वो स्मॉल हो या ना हो, तो वो इंडिकेट करता है बहुत इंटेंस बाइंग हुई है। अगर ग्रीन कैंडल बनी है और अगर रेड कैंडल बनी है तो इंटेंस सेलिंग हुई है। और छोटी कैंडल दर्शाती है दोस्तों कि मार्केट एक्शन में अभाव रहा है, चाहे वो बाइंग हो चाहे वो सेलिंग हो। सो एक इनडिसीजन का माहौल रहा है, इनडिसीजन का माहौल बोल सकते हैं, और या प्रोबेबली मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक बड़े मूव के आने की संभावना है। और वो मूव अपसाइड आएगा कि डाउनसाइड आएगा वो प्राइस एक्शन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे हम समझ सकते हैं। बट कैंडल का साइज हमें मार्केट सेंटिमेंट्स दर्शाता है कि डिसाइसिव मूव हुआ है मार्केट में तो बड़ी कैंडल बनेगी, लार्ज बॉडी कैंडल बनेगी, रियल बॉडी उसकी बड़ी होगी। और अगर इनडिसीजन है या कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट तो छोटी कैंडल बनेगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब कवर करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों मार्केट के एनालिसिस करने में और टेक्निकल एनालिसिस में। कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, और आज हम कंसेप्चुअली समझेंगे कि वो रोल क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे वो मार्केट साइकोलॉजी को दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं। दोस्तों ऐसे तो बहुत प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं और वो बेसिकली जो प्रकार है वो कुछ सिग्निफिकेंट है और कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो दोस्तों आज हम बेसिकली जो कवर करेंगे दो तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एक जिसे हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं जो दर्शाते हैं कि मार्केट गिर रहा है, और इस तरह के पैटर्न जब बनते हैं तो मार्केट की संभावना ऊपर जाने की बहुत प्रबल हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरे पैटर्न है दोस्तों बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर इस तरह के बेरिश पैटर्न बनते हैं जो इंडिकेट करता था कि शायद अप ट्रेंडिंग मार्केट थे, अब करेक्शन होगा या मार्केट ट्रेंड को चेंज करेगा। अब वो ट्रेंड में चेंज शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा वो स्टडी का सब्जेक्ट है। कुछ लोग एक और कैटेगरी की कैंडलस्टिक्स बताते हैं, इवन बुक्स में भी लिखा है, न्यूट्रल पैटर्न्स। दोस्तों वो न्यूट्रल पैटर्न्स जो है उनमें से एक पैटर्न है जो मैं इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। बट बेसिकली हमारा एम क्या है, हमारा टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने का एम है कि हम ट्रेंडिंग मार्केट में उस मार्केट को स्टडी करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर पाए और इनकम जनरेट कर पाए, हम कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल हो पाए
व्हेन वी टेक अप द ट्रेड। तो दोस्तों द बुलिश फेज सबसे लंबा लास्ट करता है, सेकंड बेरिश फेज 9 to 12 months लास्ट करता है साइजेबल, एंड कंसोलिडेशन फेज जो होता है इट मे नॉट लास्ट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज जो होता है दोस्तों वो वर्चुअली एक्यूमुलेशन फेज में आता है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है, जो हमने डाउ के डॉक्ट्रिन्स में अलग अलग फेजेस की बातें की हैं और उसमें डिटेल में चर्चा हो चुकी है जीरो टू हीरो श्रृंखला के तहत। तो दोस्तों हम इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे, और वो वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों कि अगर हमने सिर्फ इतने ही कैंडलस्टिक पैटर्न पर आपने पकड़ बना ली, मास्टरी कर ली, तो इनफ है दोस्तों मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली अपियर होते हैं और ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बनते हैं बट उनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई नहीं है, तो हमें अपना एम ये रखना चाहिए दोस्तों कि हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को लें, लेस नंबर ऑफ ट्रेड करें लेकिन क्वालिटी ट्रेड करें। बहुत मार्केट में उछल कूद मचाने से, अधिक ट्रेड लेने से हम ब्रोकर को तो फायदा पहुंचा सकते हैं लेकिन हमारा क्या फायदा हो रहा है। तो दोस्तों इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, लेस नंबर ऑफ ट्रेड बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इन दो कैटेगरी ब्रॉडर कैटेगरी में डिस्कस करते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और जैसा मैंने दोस्तों बताया कि न्यूट्रल पैटर्न में अधिकतर बुक्स में कवर किया गया कुछ पैटर्न उसको तो हम डिस्कस करेंगे लेकिन मेरी नजर में वो बहुत न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन में मार्केट साइकोलॉजी कुछ और हमसे कहना चाहती है। तो चलिए दोस्तों हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में समझते हैं कि कितने प्रकार के पैटर्न्स हैं जो बहुत रिलायबल हैं। तो दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे एक पैटर्न जिसे बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, और जानेंगे मार्केट की साइकोलॉजी को कि जब इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो मार्केट हमसे क्या बोलना चाहते हैं, वट मार्केट इज ट्राइंग, बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो मार्केट की भाषा है, मार्केट की लैंग्वेज है, मार्केट की साइकोलॉजी है, उसकी मनोस्थिति है। एंड दूसरा दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हैमर, जिसे बुलिश पिन बार भी कहा जाता है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मॉर्निंग स्टार, बहुत अंधकार के बाद मार्केट में वो एक तारा जो मार्केट में नजर आया है जो कुछ इंडिकेट कर रहा है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। एंड दोस्तों फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे ट्वीजर बॉटम को, एंड फिफ्थ कैंडलस्टिक डिस्कस करेंगे दोस्तों बुलिश हरामी को। अब दोस्तों ये पांच कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो काफी रिलायबल हैं, इन्हें तो हम डिस्कस करेंगे, और साथ में एक सिक्स्थ पैटर्न है बुलिश कैटेगरी में, उसे हम लास्ट में आपको बताएंगे क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट है, वो बहुत स्पेशल पैटर्न है जो नॉर्मली मेरा मानना है कि जब मार्केट में स्मार्ट मनी फ्लो होती है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो जब एंटर करते हैं तब उस तरह का पैटर्न फॉर्म होता है जो बहुत अधिक रिलायबल है।
बट दोस्तों जब ये पैटर्न बनते हैं, इस सेशन के दौरान मैं बार बार इस चीज को एम्फेसिस करूंगा कि केवल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चार्ट के ऊपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैटर्न वो किस लोकेशन में बन रहे हैं, किस जगह पे चार्ट में बन रहे हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉमन मिस्टेक्स है, अधिकतर ट्रेडर्स करते हैं कि जहां पे एक बुलिश पैटर्न देखा वहां पे वो डिसाइड कर लेते हैं ट्रेड लेने का, बट दोस्तों उसका सिग्निफिकेंस उतना नहीं होता है अनलेस एंड अंटिल दे अपियर एट सपोर्ट लेवल। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट लेवल पे जनरेट हुए हैं, जो डिमांड एरिया है, अब वो सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट हो सकते हैं मार्केट के प्राइस एक्शन के द्वारा जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, या फिर वो ट्रेंड लाइन के द्वारा ड्रॉ किए हुए सपोर्ट हो सकते हैं। और या दोस्तों सपोर्ट मूविंग एवरेजेस के द्वारा हो सकते हैं। जो पिछला सेशन जीरो टू हीरो श्रृंखला में हुआ वहां हमने डिस्कस किया कि मूविंग एवरेज एक मैजिकल इंडिकेटर है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं, और हमने कुछ एग्जांपल्स में देखा भी कि यस दे वर्क लाइक दैट। सो सपोर्ट या तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकते हैं, या ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो सकते हैं, और या फिर मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो सकते हैं। ब्रॉडली ये तीन ही सपोर्ट एरिया है जहां डिमांड जनरेट होती है, और अगर उस एरिया में, उस जगह पे, उस लोकेशन में चार्ट के ऊपर में अगर ये पैटर्न बन रहे हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट है, रिलायबिलिटी बहुत हाई है, और ये तभी रेलेवेंट भी है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एक एक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो होते हैं, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो नेचुरली बेरिश कैंडल बन रही है, रेड कलर की कैंडल बन रही है, और उसके बाद अचानक मार्केट में एक कैंडल ऐसी बनती है जो ग्रीन होती है, और जो लास्ट कैंडल रेड कलर की बनी है, बेरिश कैंडल बनी है, उसको पूरा एनगल्फ कर लेती है, उसके पूरे रेंज को एनगल्फ कर लेती है। तो दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड में रिवर्सल होने की संभावना बहुत बढ़ चुकी है। अब इसे पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने बोला, मार्केट गिर रहा है और गिरते हुए मार्केट में एक अचानक गिर रहा है, मतलब ब्लैक कैंडल्स बन रही है जिसे हम रेड कैंडल भी बोलते हैं आज के जमाने में, और फिर एक व्हाइट कैंडल बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है जो पिछले कैंडल को अपने आप में पूरा समा लेती है, एनगल्फ कर लेती है। बट दोस्तों सिग्निफिकेंट क्या है, इस तरह का पैटर्न सपोर्ट के पास जनरेट होना चाहिए, तब इसका रेलेवेंस है, तब इसका सिग्निफिकेंस है, और तब इसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है। सो दोस्तों वो सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकता है प्राइस एक्शन पे, या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, या मूविंग एवरेजेस सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। सो दोस्तों इसके पीछे अगर हम देखें तो ये मार्केट यहां से ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है, ये सारी कैंडल जो बन रही हैं, ये बेरिश कैंडल बन रही हैं, रेड कैंडल बन रही हैं, और ये कैंडल जो लास्ट में बेरिश कैंडल बनी, और ये कैंडल आप देखिए जो ग्रीन कैंडल बनी, रादर इसे मैं ग्रीन कलर से इसे कवर कर देता हूं आज के जमाने में, कि ये ग्रीन कैंडल बनी, इसने क्या किया, इस कैंडल की जो रेंज थी पिछले कैंडल की,
ये रेंज जो थी यहां से लेकर यहां तक रेंज थी, इस पूरी रेंज को एनगल्फ कर लिया। अब क्वेश्चन यहां आता है दोस्तों कि पूरी रेंज को एनगल्फ करना चाहिए या पिछली बेरिश कैंडल की बॉडी को एनगल्फ करना चाहिए। डेफिनेशन के हिसाब से अगर उसकी बॉडी को, बेरिश कैंडल की बॉडी को एनगल्फ करता है तो बुरिश एनगल्फिंग है, बट अगर पूरे रेंज को एनगल्फ करता है तो और इंटेंसिटी अधिक है, प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अब आप इसको समझिए दोस्तों, साइकोलॉजी कि अभी तक इस जगह से ये मार्केट गिर रहा था, मतलब सेलिंग प्रेशर था, सेलर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, मार्केट में एक पेसिमिज्म था, और अचानक बायर्स एक्शन में आते हैं और वो बाइंग की इंटेंसिटी को इतना अधिक ले जाते हैं कि पिछले दिन की जो कैंडल बनी वो पूरा का पूरा नलीफाई हो जाता है एक्शन, और जितनी सेलिंग हुई है पिछले दिन, ये एनगल्फिंग कैंडल में स्टिक बनने का तात्पर्य ये है और इंडिकेशन ये है कि जितनी सेलिंग की इंटेंसिटी से उससे अधिक इंटेंसिटी पे बाइंग हुई है, तो ये इंडिकेट करता है कि दोस्तों रिवर्सल होने की संभावना बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश कैटेगरी में हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी रिलायबल है, जिसे हम हैमर बोलते हैं या बुलिश पिन बार भी बोला जाता है। इन्हें हैमर क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि ये हैमर जैसे दिखते हैं, और या पिन बार बोला जाता है क्योंकि पिन जैसे दिखते हैं, तो उनके शेप के आधार पे इनका नाम दिया गया है। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम इस तरह के बुलिश पैटर्न की बात करें तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब ये बेसिकली अपियर होते हैं और इंडिकेट करते हैं कि मार्केट जो अभी तक डाउन ट्रेंड में था अब ये दिशा चेंज करने की इसकी संभावना है, और बहुत प्रबल संभावना है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करेगा। और दोस्तों इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर वैलिड हैमर बना है तो उसमें जो नीचे की शैडो होगी वो काफी बड़ी होगी और इस कैंडल की जो बॉडी होगी वो बहुत छोटी होगी, और ऊपर का शैडो ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, अपर शैडो मिसिंग होना चाहिए। बट दोस्तों ये देखा गया है कि ये परिभाषा जो है सदियों पहले बनी है, और उस समय मार्केट ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, वॉल्यूम इतना अधिक नहीं था, तो अगर ऊपर का शैडो छोटा शैडो बना है, स्मॉल शैडो बना है, और बाकी सब डेफिनेशन में शैडो नीचे की लंबी है, बॉडी छोटी है, ये सब क्राइटेरिया में अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस है और उसे उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसा बिना शैडो के, अपर शैडो के हैमर को दिया जाता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं, और जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे जीरो टू हीरो श्रृंखला में तो उसमें देखेंगे दोस्तों कि जब पिन बार बनता है या हैमर का शेप बनता है डाउन ट्रेंड मार्केट में, तो दोस्तों उसका सिमिलर सिग्निफिकेंस है एंड वेटेज है। एंड दोस्तों एज पर डेफिनेशन जो नीचे की शैडो जो मैंने बोली काफी लंबी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए इस कैंडल का जो कंप्लीट रेंज है, हाई टू लो जो रेंज है कैंडल का, उसका नीचे का शैडो जो होना चाहिए वो 2/3 होना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम बोले कि बॉडी
अगर वन है तो नीचे का शेडो थ्री होना चाहिए. सो वन इज टू थ्री बॉडी एंड नीचे का शेडो का रेशियो मिलना चाहिए. अब यहां पर भी एक एक्सेप्शन मैं आपको बोलना चाहूंगा. इवन अगर ये रेशियो वन इज टू टू भी मिल रहा है और बाकी एनालिसिस करने के बाद ये इंडिकेट कर रहा है प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड अदर एस्पेक्ट्स को जब हम देखते हैं, तो दोस्तों उसका भी सिग्निफिकेंस है. तो चलिए पिक्टोरियल डायग्राम में इसे समझने की कोशिश करते हैं. दोस्तों ये हैमर है. अब देखिए इसमें डायग्राम में दो हैमर दिखाए गए हैं, इन्हें पिन बार भी बोला जाता है. एक की बॉडी आप देखेंगे तो ब्लैक है या आज के जमाने के हिसाब से रेड है, बेरिश है, और दूसरा कैंडलस्टिक जो दिखाया गया है वो व्हाइट कैंडलस्टिक है या आज के जमाने के हिसाब से बुलिश है, ग्रीन कलर की कैंडल है. तो दोस्तों हैमर में या पिन बार में कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी भी कलर का बॉडी हो, लेकिन अगर 1:3 के रेशियो में बॉडी एंड नीचे के शैडो का रेशियो मिल रहा है, टोटल रेंज का नीचे का जो शैडो है वो 2/3 है, वो सिग्निफिकेंट है, उसका शेप सिग्निफिकेंट है. और इसकी पीछे साइकोलॉजी आपको समझना होगा, जो मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. तो दोस्तों ये बेसिकली आप देखिए ये कंप्लीट रेंज है कैंडल की, जो मैंने पिक्टोरियल डायग्राम में वर्टिकल लाइन ग्रीन कलर की ड्रॉ की है. और दोस्तों अगर इसकी वैल्यू वाई है तो दोस्तों ये जो शैडो है इस कैंडल की ये 2/3 होना चाहिए, 2/3 वाई होना चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड परफेक्टली अ बुलिश पिन बार और अ हैमर. अब नाउ बाकी सिग्निफिकेंस वही है, मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि ये दोस्तों सपोर्ट के पास में बनते हैं तो इसका रेलेवेंस बहुत अधिक है. सो दोस्तों वो सपोर्ट या तो प्राइस एक्शन सपोर्ट हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, या ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट हो, और या फिर मूविंग एवरेजेस पर ये सपोर्ट ले रहा हो. तो दोस्तों इसके पीछे मार्केट साइकोलॉजी क्या है, अब इसे अगर समझे हम अगर यहां पे दोस्तों, तो इसे हम देखते हैं कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड के बाद में इस तरह का हैमर बना, तो इसका मतलब है दोस्तों जो सेलिंग प्रेशर था सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे और बायर्स जो थे वो कमजोर थे, वीक थे. बट इस कैंडल में भी क्या हुआ दोस्तों, सेलर्स ने प्राइस को पुश करके ये नीचे तक लोअर लाया, यहां लो बना, लेकिन इसके बाद में बाइंग एक्शन आया, बायर्स डोमिनेट करने लगे, बुल्स डोमिनेट करने लगे और अल्टीमेटली प्राइस को ऊपर पुश करके यहां पर क्लोज कर दिया. सो मार्केट यहां ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गई और फिर बायर्स ने प्राइस को पुश करके इसे इस जगह पे क्लोज कर दिया, तो ये छोटी सी बॉडी बनी और बड़ी शैडो बन गई. तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट वॉर मार्केट में होता है, कांस्टेंट युद्ध होता है मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में, उसमें मार्केट क्लोजिंग होने के पहले, मार्केट क्लोजिंग होने तक बायर्स की विजय हुई, बायर्स वर विनर्स इन दिस कंप्लीट वॉर ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन. अब ये कैंडल जो वाइट बनी, डिफरेंस ये है इसकी ओपनिंग यहां पर हुई और इसको सेलर्स ने प्रेशर डाल के पुश करके नीचे ले गए, यहां तक लो बना, इस जगह पे लो बना और दोस्तों उसके बाद बायर्स आए, प्राइस को पुश किया, क्योंकि डिमांड इतनी जम के जनरेट हुई कि प्राइस अल्टीमेटली इस जगह पे जाके क्लोज हुई.
सो दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है, ओनली 1:3 का रेशियो मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक नए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। देखिए दोस्तों, आप जैसे नाम से समझ रहे हैं, अगर गिरता हुआ मार्केट है तो माहौल जो है वो बड़ा पेसिमिज्म का है, और उस मार्केट में गिरते मार्केट के बाद में एक ऐसा तारा नजर आता है, एक ऐसा स्टार नजर आता है जो इंडिकेट करता है कि पॉसिबली मार्केट जो अभी तक डाउन ट्रेंड में था ये अब अप ट्रेंड में जा सकता है। तो वो सुबह आने वाली है, वो मॉर्निंग आने वाली है, और ये स्टार जो है वो उस मॉर्निंग का स्टार है, और इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार है क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो चलिए दोस्तों, ये बेसिकली जो है ये तीन कैंडल का, अगर हम डे की बात करें तो तीन डे में ये फॉर्मेशन होता है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है। अब दोस्तों डे वन में सिंस मार्केट गिर रहा था तो डे वन में जो कैंडलस्टिक बनती है वो एक बेरिश कैंडल बनती है। उसके बाद एक कैंडल बनेगी जो एक छोटी कैंडल बनेगी, और ये छोटी कैंडल जो बनती है इसी कारण से इसका नाम स्टार आया है। स्टार वो है छोटी कैंडल। तो ये सेकेंड डे हो गया, और थर्ड डे कैंडल जो बनेगी वो बुलिश कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। तो पहले दिन रेड कैंडल, देन एक स्मॉल कैंडल। अब स्मॉल कैंडल कलर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी स्मॉल, and I will explain you small क्या है। small एक vague term है, there should be very clear definition of everything। जब तक परिभाषा सब चीजों की clear नहीं होगी, छोटा बनना चाहिए। भाई किससे छोटा बनना चाहिए, with respect to what, we will understand that also। तो दोस्तों ये basically तीन दिन का candle का formation है इन डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, एंड व्हेन इट अपीयर्स ये इंडिकेट करता है पॉसिबल रिवर्सल को। एंड दोस्तों जैसा हमने बोला, एक बेरिश कैंडल बनेगी, एक छोटी कैंडल बनेगी, जो बेसिकली जो नाम मॉर्निंग स्टार आया है वो जो छोटी कैंडल बनती है वो स्टार जैसी दिखाई देती है, जिसकी बॉडी छोटी हो सकती है और या फिर बिना बॉडी की कैंडल बन सकती है। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम है। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस किसी भी कैंडल में अगर सेम है तो उसमें बॉडी का फॉर्मेशन होगा नहीं, कैंडल में केवल शैडोज रहेंगी ऊपर की और नीचे की, और एक क्रॉस जैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों चलिए पिक्टोरियल डायग्राम में समझते हैं फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसको डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कई बार हम मॉर्निंग स्टार जैसा दिखता है बट वो रहता नहीं है। सो वी शुड करेक्टली आइडेंटिफाई द पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न, देन ओनली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ करेक्ट एनालिसिस। सो दोस्तों ये आप देखिए तीन कैंडल का शेप है। एक पहले ब्लैक कैंडल दिख रही है, आज के जमाने से इसे रेड कैंडल इमेजिन कर लीजिए। फिर एक छोटी कैंडल बनी जो इस डायग्राम में ग्रीन दिखाया गया है, और फिर एक बुलिश कैंडल बनी। अब दोस्तों यहां पर डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा, जो हम एक एक करके स्लोली एंड स्लोली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए कि मॉर्निंग स्टार को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दोस्तों
ये देखिए, ये ब्लैक कैंडल जो है, मैंने एक रेड हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इस कैंडल का गिरते हुए मार्केट में ये कैंडल बनी रेड कैंडल, और उसके बाद दोस्तों इसकी क्लोजिंग हुई जो मैंने हॉरिजॉन्टल रेड लाइन खींची है पिक्टोरियल डायग्राम में। अब उसके बाद जो छोटी कैंडल है वो जब नेक्स्ट डे बनी तो आप देखिए उसकी ओपनिंग कहां हुई, नीचे हुई, मतलब रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है उससे गैप डाउन हुई, गैप होके नीचे में ओपनिंग हुई। ये बहुत की पॉइंट है, इट शुड बी गैप डाउन ओपनिंग, देयर शुड बी अ गैप एंड दिस इज द गैप। एंड देन दोस्तों जब थर्ड डे की कैंडल बनी तो दोस्तों यहां पे वो ओपन हुई, तो ये ओपनिंग भी ये छोटी कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट है उससे गैप अप ओपनिंग है। सो यहां पर भी गैप का फॉर्मेशन हुआ। तो पहला क्राइटेरिया हुआ कि बेयर मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में एक कैंडल बनती है और उसमें छोटी कैंडल जो बनती है वो गैप डाउन बनती है, और तीसरी कैंडल जो बनती है वो गैप अप बनती है। एंड वन मोर क्राइटेरिया फ्रेंड्स, कि अगर हम ये रेड कैंडल है जो लास्ट ब्लैक कैंडल करके दिख रही है इस पिक्टोरियल डायग्राम में जो फॉलिंग मार्केट में बनी है, अगर इसके मिडिल पॉइंट को ड्रॉ करें, मीडियन को ड्रॉ करें, बॉडी का जो सेंटर है उस कैंडल का, तो दिस इज मीडियन, जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन दिख रही है ग्रीन कलर की, तो जो तीसरे दिन की कैंडल है इस मीडियन के ऊपर में क्लोज होनी चाहिए। अब ये सारे क्राइटेरिया जब मिल जाते हैं तब हम बोलते हैं यस दिस इज द मॉर्निंग स्टार विच इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो इंडिकेट कर रहा है पॉसिबल रिवर्सल इन द मार्केट, और ये बहुत रिलायबल पैटर्न। अब दोस्तों उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जैसा मैंने बोला ये कैंडल छोटी होनी चाहिए, तो ये कैंडल दोस्तों इस कैंडल से छोटी होनी चाहिए, ये जो रेड कैंडल है, क्योंकि छोटी एंड बड़ी इज अ कंपैरेटिव थिंग। तो दोस्तों ये जो फॉलिंग मार्केट में ये जो रेड कैंडल बनी है, डे वन वाली कैंडल हम इसे बोले, तो इस कैंडल से ये वाली कैंडल जो है ये इसके कंपैरिजन में साइज में छोटी होनी चाहिए। और कई बार दोस्तों मॉर्निंग स्टार जब फॉर्मेशन होता है तो ये जो छोटी कैंडल है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम होता है, बट वो गैप डाउन ओपन होती है। सो दोस्तों इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हम ट्वीजर बॉटम बोलते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है, जो इंडिकेट करता है कि यहां से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना, ट्रेंड रिवर्स होने की संभावना बहुत अधिक है। तो दोस्तों इसे हम पिक्टोरियली समझते हैं जिसमें क्लैरिटी ज्यादा आएगी, और ये एक बहुत सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में मार्केट में एक रेड कैंडल जो लास्ट में बनी और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का जो लो है वो सेम है। सो इसीलिए इसे ट्वीजर बॉटम कहा जाता है कि दोनों कैंडल का जो बॉटम है वो सेम है, हम यहां देख सकते हैं। अरे दोस्तों ऑब्वियसली द रूल सभी कैंडलस्टिक पैटर्न में अप्लाई होता है, ये सपोर्ट के पास अपीयर होना चाहिए। अब वो सपोर्ट
प्राइस एक्शन के कारण हॉरिजॉन्टल लाइन हो या ट्रेंड लाइन हो और या फिर मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो, आइदर ऑफ दीज थ्री। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें तो ये एक फॉलिंग मार्केट था, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फॉलिंग मार्केट था और इस फॉलिंग मार्केट में ये कैंडल स्टिक एक बनी जो बेरिश कैंडल थी, और इसके बाद ये सेम बॉटम में कैंडल बनने का तात्पर्य है कि सेलिंग प्रेशर जो था वो इतना डिमिनिश हो चुका था, इतना डिप्लीट हो चुका था, इतना कमजोर हो चुका था कि वो बेरिश कैंडल के लो को भी नीचे नहीं तोड़ पाया और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसे हम बोलते हैं ट्वीजर बॉटम। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एक नए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को, जिसका नाम है बुलिश हरामी। दोस्तों ये भी एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है और ये इंडिकेट करता है कि पॉसिबली जो मार्केट अभी तक गिर रहा था अब मार्केट के अपसाइड जाने के चांस बहुत प्रबल हो जाते हैं। दोस्तों ये वर्ड हरामी जो है वो एक जापानीज लैंग्वेज से आया है। जैसा हमने देखा कि हिस्टोरिकली कैंडलस्टिक जो है उसका ओरिजिन जापान में हुआ है, तो हरामी वर्ड का मीनिंग जो जापानीज लैंग्वेज में है उसका मतलब है प्रेग्नेंट वुमन। और ये पैटर्न उस तरह का दिखाई देता है, सो ये मदर एंड बेबी कॉम्बिनेशन है जिसे हम बुलिश हरामी बोलते हैं, जो अभी हम पिक्टोरियल डायग्राम में देखेंगे। ये बहुत सिंपल पैटर्न है और इसे समझना, आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो दोस्तों ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है और जैसा हमने बोला बेरिश कैंडल बनती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। केवल वो देखना है कि वो कैंडल जो है किस तरह से बनती है, जो पिक्टोरियली जब हम देखेंगे तब वो हमें समझ में आएगा। और हरामी मींस प्रेग्नेंट वुमेन इन जापानीज लैंग्वेज। सो लेट अस सी पिक्टोरियली। अब यहां पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये गिरते हुए मार्केट में एक, चलिए दोस्तों ये पहले आपको एम्फेसिस दूंगा मैं हर पैटर्न के ऊपर में कि इसे सपोर्ट के पास बनना चाहिए। अब वो सपोर्ट किसी भी तरह के सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो, मूविंग एवरेज सपोर्ट हो या प्राइस एक्शन के द्वारा निकाला गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो। अब दोस्तों अगर हम इसको समझें दोस्तों, तो ये आप देखिए ये मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। अब ये जो कैंडल बनी ये एक रेड कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनी, और इस बेरिश कैंडल में आप देखिए कि ये एक ग्रीन कलर की छोटी कैंडल बनी। अब ये छोटी कैंडल जो बनी दोस्तों ये ग्रीन कलर की, इसकी एंटायर बॉडी जो है छोटी कैंडल की ये बड़ी वाली रेड कैंडल के बॉडी के विदिन है। So small candle is a baby candle and a red candle is mother candle and that is why it looks like a pregnant woman and hence this is called bullish harami pattern। अब इन सबको किस तरह से पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में और बाकी एनालिसिस करने के बाद जब इसे सारी चीजों को कंबाइन करते हैं, वो आने वाले सेशन में जीरो तो हीरो श्रृंखला में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे सेशन के शुरुआत में मैंने आपसे बोला कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हमने लास्ट के लिए रिजर्व रखा है, तो चलिए हम उस पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत पावरफुल पैटर्न है और ये पैटर्न तब इमर्ज होता है मार्केट में जब स्मार्ट मनी फ्लो होती है या प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में एंटर करते हैं।
और जैसा हम सभी जानते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो दोस्तों, जब स्मार्ट मनी या प्रोफेशनल ट्रेडर उस दिशा में सोच रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी उस दिशा में इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है और मार्केट एक अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो अगर हम उनकी साइकोलॉजी को समझ के उस दिशा को पकड़ते हैं तो हमारी सक्सेस की संभावना मेनी फोल्ड एनहांस हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें गैप होता है, लेकिन दोस्तों ये गैप जो होता है वो इनविजिबल गैप होता है, वो गैप दिखाई नहीं देता है। इट इज नॉट दैट कि एक कैंडलस्टिक बनी और एक कैंडलस्टिक बन के एक गैप अप होके ओपन हुई और इस गैप के बीच में कोई ट्रेडिंग एक्शन नहीं हुआ है, तो वो क्लियर गैप है जो क्लैरिटी के साथ में चार्ट के ऊपर में विजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं। बट ये गैप होता है दोस्तों, ये विजिबल नहीं होता है, इसलिए इसके रूल को समझना ताकि हम करेक्टली इसे आइडेंटिफाई कर पाए और इसको पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और खास करके दोस्तों, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन लेके उसे एक पोजिशनल व्यू में उसे ट्रेंड को राइड करते हैं। तो ये कैंडलस्टिक को मैं बहुत इम्फेसिस दे रहा हूँ, इट इज़ वेरी पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न और इसकी रिलायबिलिटी जो है बहुत हाई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जो गैप के साथ फॉर्म होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसे समझते हैं पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से। और ये आप देख सकते हैं कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में था, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद इस तरह का पैटर्न जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है वैसा इमर्ज होता है। और दोस्तों अभी मैं आपको इस पिक्टोरियल डायग्राम पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, उसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि इस कैंडलस्टिक को पहचानने के लिए क्या रूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल होने चाहिए, तब हम इसे बोल सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और जिसका नाम है दोस्तों वन वाइट सोल्जर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और दोस्तों ये लाइन मैंने खींची, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो अभी मैंने खींची वो इंडिकेट कर रही है कि गिरते हुए मार्केट में जहां जो ट्रेडर्स का बायस था वो बेरिश था और सेलर्स जो थे वो अभी तक डोमिनेट कर रहे थे। तो ये जो कैंडल रेड कैंडल बनी उसकी क्लोजिंग जो हुई वो हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाई गई है। अब दोस्तों क्या होता है, नेक्स्ट डे एक कैंडल स्टिक बनती है जो ग्रीन बनती है, बुलिश बनती है। और दोस्तों दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे गौर कीजिएगा, ये देखिए इसकी ओपनिंग जो होती है वो गैप के साथ में होती है, मतलब रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है उससे ऊपर उसकी ओपनिंग होती है। अब इसकी साइकोलॉजी समझिए दोस्तों, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो बाय स्टॉप ऑर्डर डाल के इस प्राइस पे बैठे थे कि क्लोजिंग प्राइस से वो कुछ हाई प्राइस पे भी लेने के लिए उसे तैयार है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि अब प्राइस में जो पुलबैक हुआ है, जो नीचे साइड में प्राइस आई है, अब इसकी दिशा ओरिजिनल साइड में होगी। अब ये एक सेकुलर डाउन ट्रेंड में अपियर हो सकते हैं या दोस्तों ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है और उसके दौरान एक पुलबैक हुआ है, एक रिट्रेसमेंट हुआ है, एक करेक्शन हुआ है और ये करेक्शन यहां पे हॉल्ट हो रहा है, उसका इंडिकेशन है। तो ये गैप के साथ में फॉर्म होते हैं और ये इनविजिबल गैप है, क्योंकि केवल पिछले कैंडल की ओपनिंग से आज की कैंडल की जो पिछले कैंडल की जो क्लोजिंग है उससे आज की कैंडल की जो ओपनिंग है उसमें गैप है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कि ये सपोर्ट के पास में अपियर होना चाहिए। अब वो सपोर्ट दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे या फिर ट्रेंड लाइन हो सकती है, राइजिंग ट्रेंड लाइन।
अगर ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड में पुल बैक हुआ है तो, और एल्स ये एक मूविंग एवरेज हो सकता है जहां भी ये सपोर्ट ले सकता है और इस तरह का पैटर्न इमर्ज हो सकता है। अब दोस्तों इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके रूल्स को समझे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दोस्तों पहला चीज तो ये है कि प्राइस यहां पे क्लोज हुई, ये मार्केट जो गिर रहा था ये इस कैंडल तक मार्केट का कंप्लीट बायस जो था वो बेरिश था, सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, और ये कैंडल की ओपनिंग हुई ये गैप के साथ में यहां पे हुई, तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है दोस्तों कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसकी जो क्लोजिंग है, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर में होना चाहिए, तो ये सेकंड रूल हो गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो हाई है, ये जो हाई फॉर्म हुआ है दोस्तों ये इसके हाई से ऊपर होना चाहिए, बेरिश कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। एंड दोस्तों ये जो बेरिश कैंडल का जो लो है इससे बुलिश कैंडल का लो जो है वो ऊपर होना चाहिए। ये जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं और ये सपोर्ट के पास में अपीयर हो रहे हैं तब हम इसे बोलते हैं वन वाइट सोल्जर, और ये बहुत पावरफुल पैटर्न है दोस्तों। अगर आपने इस चैनल के ऊपर में स्टॉक आइडिया या ट्रेडिंग आइडिया के तहत 100 से अधिक वीडियो हैं दोस्तों, और इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है स्टॉक आइडिया एंड ट्रेडिंग आइडिया की, तो अगर उसमें उपलब्ध वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो कई बार हमने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि एक ये इंडिकेशन है बुलिश रिवर्सल क्योंकि वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ है। तो उन वीडियो को आप अगर देखते हैं तो आज के सेशन को आप बेहतर तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे एक्चुअल मार्केट कंडीशन में, एक्चुअल प्राइस चार्ट पर। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, और इसे आप याद रखिए क्योंकि एक बहुत रिलायबल पैटर्न है और इसकी रिलायबिलिटी हाई के अलावा ये एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न है जिसे हम वन वाइट सोल्जर बोलते हैं, जो कॉमनली बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम समराइज करते हैं, और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो अनदर कैटेगरी है और भी रिलेटेड पैटर्न्स को हम जीरो टू हीरो श्रृंखला में अगले वीडियो में कवर करेंगे, और इसको आप बार बार देखिए इस वीडियो को। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम कंक्लूड करते हैं जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड है, जो एक मार्केट ट्रेंड रिवर्सल में काम आते हैं, एंड दूसरा दोस्तों जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है और जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, रिट्रेसमेंट होता है, पुलबैक होता है, तो हम स्विंग ट्रेडिंग में या पोजिशनल ट्रेड को लेने में इस तरह के पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और आप सभी दोस्तों जानते हैं कि बुल मार्केट का जो टेन्योर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो चलिए समराइज करते हैं। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो रेलेवेंट तभी होते हैं दोस्तों जब वो सपोर्ट के पास में अपियर हो, और सपोर्ट प्राइस एक्शन के द्वारा निकाला हुआ या ड्रॉ किया हुआ चार्ट के ऊपर में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकता है या राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है, और या दोस्तों किसी इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस का हो सकता है जिसको हमने जीरो टू हीरो श्रृंखला में 9 नंबर की सीरीज में ये सारी बातें डिस्कस की हैं। सेकंड दोस्तों सपोर्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं जैसा हमने बोला, और दोस्तों ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की रिलायबिलिटी नॉर्मली तभी अच्छी होती है जब वो डाउन ट्रेंड में अपियर हो, उनकी रिलायबिलिटी साइडवेज मार्केट में या रेंज बाउंड मार्केट में या मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा है तो उनकी रिलायबिलिटी अधिक नहीं होती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना और उसे आइडेंटिफाई करना
ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है वो किस जगह पे, किस लोकेशन पे चार्ट के ऊपर में अपियर हो रहे हैं, किस मार्केट फेज में अपियर हो रहे हैं, किस मार्केट ट्रेंड में अपियर हो रहे हैं। अगेन दोस्तों, डाउ थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिमेन्स इन ट्रेंड, मार्केट रिमेन मूव्स इन ट्रेंड, इट रिमेन्स इंटैक्ट। वॉट? ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट जब तक एक डेफिनेट सिग्नल आपको मार्केट में नहीं मिले कि रिवर्सल हो रहा है। एंड बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न उस दिशा में हमें मदद करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉसिबल रिवर्सल होने की संभावना है कि नहीं है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने सेशन में जाना कि किस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मदद कर सकते हैं, या तो मार्केट में पुल बैक हो रहा है, ओवरऑल ट्रेंड अप है, या मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, एक्युमुलेशन फेज हुआ है, और उसके बाद में ये मार्केट का नया बुल ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, उसमें वो मदद करते हैं। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, मार्केट या अप ट्रेंडिंग हो या डाउन ट्रेंडिंग हो, दोनों ही दिशा में ट्रेड करके उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं। क्योंकि जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हाई में सेल करते हैं और नीचे में पोजीशन को कवर कर लेते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। कई बार दोस्तों ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में आप चलते हैं। अगर आप प्राइस चार्ट को देखें, जी एंटरटेनमेंट के चार्ट को, तो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है। सन टीवी के चार्ट को देखें, डिश टीवी के चार्ट को देखें, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है। रिलायंस कैपिटल के ऊपर में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था जब वो 230 240 पर ट्रेड हो रहा था, और उसमें शॉर्ट सेलिंग की बात की गई थी। और दोस्तों, और उस समय बोला गया था, उस वीडियो को अगर देखें, चैनल पर उपलब्ध है दोस्तों, कि ये टू डिजिट का स्टॉक होने की संभावना इसकी हो सकती है। और देखिए कितना मासिव फॉल हुआ। तो अगर किसी ने वहां पे सेल किया और नीचे में पोजीशन को कवर की, तो मुनाफा हो सकता है दोस्तों। तो मुनाफा हमें क्या होता है, या तो हम बाई लो करें, सेल हाई करें, या सेल हाई करें और उसी को कवर कर ले पोजीशन को बाई करके, बाई बैक कर ले नीचे में। तो दोस्तों, अगले जीरो टू हीरो श्रृंखला में कि शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है और कैसे बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न उसमें हमें मदद कर सकते हैं, और उनके पीछे मार्केट साइकोलॉजी क्या होती है, और साथ में जानेंगे दोस्तों कुछ न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो किताबों में, उन्हें बुक्स में उन्हें न्यूट्रल पैटर्न के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन क्या वो सही में न्यूट्रल है, या दूसरे कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन में जब हम कैंडलस्टिक को सिंथेसाइज कर देते हैं, सिंथेटिक कैंडल की इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उनका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। तो इन सब बातों को देखेंगे जीरो टू हीरो श्रृंखला सीरीज नंबर 11 में अगले शनिवार को शार्प 8 PM, क्योंकि एक सैटरडे 8 PM सीरियल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, थम्स अप कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स एंड जानकार लोगों के बीच में इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जो एक फ्री यूट्यूब चैनल है, इसका हिस्सा बन सके और उन्हें भी फायदा हो सके। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने। एंड दोस्तों, बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पर मिल सके और आप कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड दोस्तों, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।
Thank you very much and thanks for watching.